माता की, भारत माता की। 15 अगस्त, 15 अगस्त, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सूर्य वंशी धमाका पर। तो दोस्तों, इस समय हम आ चुके हैं हरदोई जिले की तहसील संजिला में। यहाँ पर एक बहुत ही वीरवर क्षत्रिय सम्राट हुए हैं, महाराजा शल्य सिंह अरकवंशी जी, जिनका यहाँ पर स्मारक स्थल बना हुआ है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताते चलूँ कि अरकवंशी क्षत्रिय समाज के लोगों के द्वारा यहाँ पर 15 अगस्त को, जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि 15 अगस्त के शुभ अवसर पर यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया अरकवंशी क्षत्रिय समाज के लोगों के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ आदरणीय जन है, उनसे हम यहाँ के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि क्या कार्यक्रम रहा यहाँ पर, कैसे क्या हुआ। आइए दोस्तों, जी आदरणीय, हम आपका परिचय देना चाहते हैं। आप सभी को बहुत बहुत ही शुभकामनाएं और बधाई। और मैं यहाँ के जो हमारे वरिष्ठ जन लोग, इस कस्बे के तमाम अन्य भी समाज के लोग जो यहाँ पे महाराजा के दिल में पधारे, उन सबका भी बहुत बहुत ही धन्यवाद, बहुत बहुत ही शुभकामनाएं बधाई। साथियों, ये महाराजा शल्य सिंह हमारे पूर्वज, जो यहाँ पे जिनकी पंक्तियों ने 175 साल तक शासन किया, और ये महाराजा के ही द्वारा, महाराजा के पूर्वजों के द्वारा ही बसाया हुआ, महाराजा के द्वारा बसाया हुआ ये संजिला शहर है। और इसमें इसका एक बहुत ही लंबा इतिहास है। ये कितने बहुत ही वीर थे कि इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितना इतिहास में इनकी तारीफ की गई है, वो बहुत ही ज़्यादा है। और बहुत ही, अगर हम लोगों की तो कुछ है नहीं, इनके इनकी बहुत ही दूर तक हम लोग भी पहुँच पाएंगे इनके देश को, इनकी वीरता को। अब यह है कि इनकी वीरता को हम लोग याद करके कुछ इनके देशों पे चलने का प्रयास करेंगे और कर रहे हैं हमारे बहुत ही सब लोग। तो मैं आपको सभी को बताता हूँ कि महाराजा इतना यहाँ पर था कि 175 साल तक गोलक शासक और शासकों की हिम्मत से थोड़ी यहाँ पर मिले के आसपास ही पड़ा सके, जबकि आस पास के राज्यों को लोग थे। महाराजा जो हमारे महाराजा संगीत और उनके हमसद जो यहाँ संगीत के जो राजा थे, उनके आस पास की कोई भी मुगल शासक नहीं रह गए। महाराजा के छोटे भाई महाराजा शल्य सिंह, छोटे भाई महाराजा मल्ली सिंह जो मलियाबाद जिनके नाम से बचा है, और जिनका राज्य जो है उधर ये समझिए कि उन्नाव से लेकर के और आगे काफ़ी दूर तक था, सही नदी के उस पार तक। तो वो भी इतना बहादुर थे कि उनकी तमाम ऐसी गाथाएँ हैं कि लोगों की आगे बताना संभव नहीं है। मैं आप सभी से आज के प्रोग्राम से बताना चाहूँगा, आज समाज का
पूरे शहर के काफी लोग यहाँ करके महाराजा के गाँव में अपना नमन वंदन करते हुए आज 15 अगस्त को ये जो 15 अगस्त का पर्व जो है जो अपना देश का अपने समाज का अपने सभी का एक बहुत ही अपूर्व पर्व है। आज के दिन ब्रिटिश शासन काल से हमारे देश को जो स्वतंत्रता मिली थी इसी उपलक्ष्य में सभी लोगों ने इकट्ठा करके आज 15 अगस्त बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया है। आप सभी को बहुत बहुत ही शुभकामनाएं, बहुत बहुत ही बधाई, बहुत बहुत ही आइए दोस्तों यहाँ पर और भी आदर जी ने उनसे भी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि अगर कि हम आपका प्रचार जानना चाहते हैं जैसे यहाँ पर कार्यक्रम के बारे में कुछ बताया क्या क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा है कि यहाँ पर जितने भी आदरणीय जन हैं यहाँ पर आए हैं 15 अगस्त के मौके पर, यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ और वीरवर सभी से कोशिश की कांग्रेस में सभी लोग उपस्थित है। तो आइए यहाँ लेते हैं, आइए आदरणीय जी आपका प्रश्न जानना चाहते हैं। बराबर जो है और ये आज़ादी जो मिली थी ये हमारे बहुत से ऐसे लोगों ने हंसते से अपने गले में फूंदा डाल करके फांसी पर लटक गए और ये नहीं करवा कि भगवान के देश में जनता अपने लोगों ने अपने को बलिदान हंसते हंसते दिया था। तो हमारी अब आने वाली पीढ़ी और जो भी है लोग इनको चाहिए कि उनको जो उन्होंने हमारे और आगे पीढ़ी के लिए ये कुर्बानी दी है उनकी कुर्बानी को हम याद करते हुए और देश हित में वो कार्य करें जो कि जनता को कष्ट ना हो और हमारा देश आगे उन्नत करें। धन्यवाद दोस्तों, और भी यहाँ पर आदरणीय जन उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। जी आदर जी आपका परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम रमाशंकर सिंह अरबंसी है, मैं ग्राम बेसरिया से हूँ। यहाँ पर कार्यक्रम कैसा क्या रहा? बहुत अच्छा रहा है, ठीक है बस। तो चलिए आदर जी आपका परिचय जानना चाहेंगे। ठीक है, सुंदर दिवस मनाया गया और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा सभी लोग को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा कि यहाँ पर सभी लोग एकत्रित होकर 15 अगस्त का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो बहुत ही खुशी की बात है कि इस प्रकार से समाज जागरूक हो रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ कि संडिला नगर स्थापक ये जो महाराजा सली सिंह जी की प्रतिमा आप देख रहे हैं इन्होंने संडिला नगर की स्थापना की थी और यहाँ के शासक हुए थे। तो दोस्तों उन्हीं की पीढ़ी की उन्हीं के वंशजों के द्वारा यहाँ पर आज कार्यक्रम मनाया गया। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद।